दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं जनाब? आज बात करते हैं, जैसे कि आप यकीनन सुन चुके होंगे और बड़ा शोर वोगा है सोशल मीडिया पर और बाकी मीडिया पर, कर्नल साहब की बीवी जो है वो बिफर गई जी। तो ये यानी इस पर ज़ाहिर है बहुत सारी बातें हो रही हैं कि वो जो स्पेसिफिक्स हैं उस इंसिडेंट की, मुबैना तौर पर मीडिया के मुताबिक कोई खातून हैं वो शिनक्यारी से मानसहरा या अबटाबाद जा रही थी, वो तकरीबन 11 बजे के इर्द गिर्द, और फिर वापसी 4:45 बजे वापस यानी मानसहरा से या अबटाबाद से शिनक्यारी जा रही थी। यानी पहले शिनक्यारी से मानसहरा या अबटाबाद और फिर वापस टूवर्ड्स शिनक्यारी। तो वो जो मानसहरा एक्सप्रेस वे है वहाँ पर जो टनल है, सुरंग है, वहाँ एंटर होने से पहले यानी पहले सुबह भी उसकी तलख कलामी हुई मीडिया के बकौल, और फिर वापसी पर तो आपने देखा कि वो बड़ी ग्राफिकली यानी ज़ाहिर है वीडियो अवेलेबल है, तो उसमें बाकायदा समझ लें कि एक मादूद पैमाने पर जंग व जदल हुआ जी। तो कर्नल साहब की बीवी बिफर गई कि हमें क्यों रोका है, और ख़ास तौर पर जब वो एहलकार ने कहा कि हमारे सूबेदार साहब ने ये कहा है, तो फिर तो गोया वो फट ही गई कि देखें मैं कर्नल की बीवी हूँ और ये सूबेदार की बात करता है। उसने ज़ाहिर है गाली गलोच भी की, माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून थी, तो जब इस ऐसी सूरत आ जाए तो पढ़ना लिखना जो है वो यकीनन भूल जाता है। हाँ, फैशन के तौर पर ये कहा जाता है कि मैं फलां यूनिवर्सिटी से, मैंने ये डिग्री ली, मैंने वो डिग्री ली। हम बड़े यानी सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, पॉश एरियाज में रहते हैं, डिफेंस में रहते हैं, ज़ाहिर है कर्नल की बीवी है तो बहरहाल वो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फारूक खान है कोई, उनका अपना भी रवैया ट्रैफिक पुलिस से पहले इसी तरह का था, उसकी भी वीडियो अवेलेबल है सोशल मीडिया पर। तो बहरहाल ये ताज़ा तरीन जो इंसिडेंट है इस पर ज़ाहिर है आप वो देखते हैं कि एहलकार खासा मिनटन तरले कर रहा है, लेकिन वो हर मिनट तरले के बाद पहले से बिफर जाती है और बाकायदा हाथा पाई पर तुलाई है, वो ड्रम को ज़बरदस्ती हटाती है, रुकावट जो वो आगे एक वो बांस सा रखा होता है जो भी, उसको भी हटाती है, और यानी भरपूर बदतमीजी करती है मुख्तसरन ये, और बिल आखिर अपनी कार वहाँ से निकाल के ले जाती है और धमकियाँ भी देती है कि मैं वर्दी उतरवा दूँगी। वो हालाँकि वर्दी उतरवाने से तो ज़ाहिर है कुछ हासिल नहीं होता, सिवाय ये कि उरियानी मिलती है। तो बहरहाल वो उनका बिहेवियर जो है, उनकी अखलाक बाख्तगी और आइन और कानून से नफ़रत और सिविलियन हजरात से ख़ास तौर पर नफ़रत, ये तो गोया वो फ्लो कर रही थी सरफेस पर। लेकिन इसमें जो आम नुकात हैं उसकी तरफ आने से पहले उससे भी एक अहम नुकता ये है कि ये बहरहाल कर्नल की बीवी थी, इसी वजह से वो फिर ये सारा कुछ करके भी निकल गई। वरना आपको याद है कि यानी ये जा बजा इंसिडेंट्स हैं, लेकिन ये चंद साल पहले, चलो एक बात करते हैं कि कराची में एक पार्क में बैठा हुआ गरीब आदमी, कोई मज़दूर सा, कोई मस्कीन सा, उसको हमारी माशाल्लाह काबिल फ़ख्र सपूतों ने घेर लिया, 5-7, 4-5 जो भी थे और मुसल्ला थे एक पैरामिलिट्री फोर्स के, और उसकी मिन्नत तरले वो हाथ जोड़ रहा है, लेकिन उन्होंने उसको चंद फुट यानी दो बिल्कुल सामने खड़ा होकर उस पर फायर किए, और वो जब तड़प रहा था तो उसने फिर भी मिन्नतें की कि खुदा रहा मुझे किसी अस्पताल ही फेंक दो यार, मर तो मैं वैसे ही रहा हूँ। लेकिन उस पर कोई तरस नहीं खाया गया, इसलिए कि वो गरीब आदमी, सिविलियन एक मजबूर आदमी था। तो बहरहाल वो केस अदालत में चला क्योंकि मीडिया पर आ गया था, बराह रास्त वीडियोज़ मौजूद थी, तो वो एक शख्स को सज़ा हुई, और वो भी बाद में ज़ाहिर है ज़ोर बाजू ने
प्रेसिडेंट से वो भी मुआफ़ करवा ली। मतलब कहने का ये है कि बज़ाहिर वो ज़ाहिर है एहलकार बड़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी अलाउंस फॉर बीइंग कर्नल्स वाइफ जो है वो बाहर आलो से ग्रांट करना पड़ा, और वो ही शी मेड हर वे। तो बाहर वो कानून और कानून वाले जो हैं वो मुंह देखते रह गए। लोग उस कर्नल या कर्नल की बीवी या लेफ्टिनेंट कर्नल उस पर उसका जिक्र कर रहे हैं, हालांकि ये एक सिम्प्टोमेटिक है। ये जो सिंड्रोम है ये आला तरीन अथॉरिटी से डाउनवर्ल्ड मौजूद है। ये बाजवा साहब से शुरू होता है और नीचे जाता है, ट्रिकल डाउन होता है। अजीब बात यह है कि हमारे जितने भी आर्मी चीफ्स गुजरे हैं या बाकी जनरल, उनमें से काफ़ी सारों के वालिद या दादा जो थे वो ब्रिटिश राज की जो इंडियन ब्रिटिश आर्मी थी उसमें छोटी मोटी पोस्टों पर, कोई सूबेदार था, कोई हवालदार था, कोई कुक था, तो कोई छोटा मोटा और अहलकार था, लेकिन उन्होंने बड़ी ताबेदारी से गोरों की खिदमत की। कभी कोई उनकी फाइल्स देखे, कोई उनके खिलाफ न शिकायत है, न डिसोबीडियंस है, न इनसबऑर्डिनेशन है। लेकिन अजीब बात यह है कि उन्हीं की नस्ल से जो लोग हैं उनकी गर्दन में कई सरिये हैं, और वो पाकिस्तान के आइन को भी उस ड्रम की तरह फेंकते हैं जिस तरह वो खातून उस ड्रम को फेंक रही थी। तो आप इमेजिन करें कि वो ड्रम जो है वो गोया पाकिस्तान का आइन है, और वो जो एहलकार था पाकिस्तान का सिविलियन प्राइम मिनिस्टर है, और वो जो खातून थी वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स हैं। वो बड़ी मिन्नतें तरले करते हैं, बड़े उन्हें अकामोडेट करते हैं, आउट ऑफ वे जाकर उनकी हर घटिया बात भी मानते हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान का आइन से गद्दारी करते हैं, आइन को तोड़ते हैं, और पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों की गर्दनों पर ज़बरदस्ती सवार हो जाते हैं। कभी वो बराह रास्त बूटों समेत आते हैं, इस यानी अवाम के की मुकद्दस समझ लें कि मस्जिद में बूटों समेत दाखिल होते हैं, राय दहिंदगी को परे फेंकते हैं और बराह रास्त मार्शल्ला लगाते हैं। और कभी वो 3 लाख अफवाज से वोटों को फतह करते हैं। आपको वो कहते हैं कि यानी हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो अब देख लें कि हर शाख में कौन बैठा है। ये सोशल मीडिया पर जिक्र होता है, कहीं कोई रिटायर्ड है और कहीं कोई नॉन रिटायर्ड जी। तो बहरहाल ये सिर्फ कर्नल की बीवी नहीं है, ये पूरी इसी तरह की सिलसिला है। यानी इमेजिन करें ना, हमारे जो इस वक्त कर्ता धरता हैं, जो भगवान बने बैठे हैं सोमनाथ में, उनका भी मंशूर यही था कि की बेस वटाए नी एक्सटेंशन तेरे मिलने नो, तो फसाद भी हर सू मचाए नी एक्सटेंशन तेरे मिलने नो, तो अलफ भी तोड़ के असी आए नी एक्सटेंशन तेरे मिलने नो, तो पार्लीमान ते हमले भी कराए नी एक्सटेंशन तेरे मिलने नो। और फिर भी वो मुतमैन नहीं हुए, फिर भी अभी तक पाकिस्तान को अदम इस्तकाम का शिकार रखा हुआ है। वो पहले वो गधे पर वो लकीरें चूने से फिरवा के या किसी और पेंट से, तो वो जो ज़ेबरा बनाया था, अब एक और ज़ेबरा बनाया जा रहा है। सुना है कि नेक्स्ट इलेक्शन में 2 ज़ेबरों का मुकाबला होगा, ताकि लोगों के पास एक अल्टरनेट चीज़ मौजूद हो, ताकि कहीं वो अपनी मर्ज़ी से वोटों का इस्तेमाल ना कर बैठें। और करेंगे भी तो ज़ाहिर है, वो बाहर अल हमने चुन तो ज़ेबरे को ही लेना है जी, वो जो जेली ज़ेबरे। तो बहरहाल ये सिर्फ कर्नल और उसकी वाइफ की बात नहीं है, यकीन करें। ये देग एक चावल जिस तरह कहते हैं ना कि वो चखने से पूरी देग का पता चलता है, ये चावल जा बजा हैं और हर वक्त आप चखते हैं। लेकिन मैं सलूट करता हूँ उन शाह दौला वली के चूहों को, और जो शाह दौला वली के चूहे मैन्युफैक्चर करते हैं उनको, कि कमाल मेहरबानी से इसमें भी वो कई एक्सक्यूज़ ढूँढ लेंगे। देखें जी, ये एक फ़र्द की बात है जी, वो यार ये अफराद से ही चीज़ें बनती हैं। तो ये पाकिस्तान 1947 से आज तक ये अफराद ही का कारनामा है कि उन्होंने कभी पाकिस्तान के आइन की जड़ों को नीचे नहीं जाने दिया, ऊपर ही रखते हैं, और जब भी उनका जी चाहता है तो इसी तरह वो एक्सटेंशन से मुलाकात कर लेते हैं, और ज़बरदस्ती इस बीवी की तरह, कर्नल की बीवी की तरह आइन को एक ड्रम समझ के परे फेंक देते हैं, और सारी रुकावटें अबूर करते हुए। लेकिन अजीब बात यह है कि गद्दारी भी खुद करते हैं, हलफ से हलफ उठा के उसको तोड़ते भी हैं। आइन पाकिस्तान
को तोड़ते हैं और फिर पाकिस्तान के अवाम के हकूक पर डाके डालते हैं, लेकिन फिर भी वासिफ गफूर कहता है कि हमारा एक ख़ानदान है। पाकिस्तानियों का कोई ख़ानदान नहीं है, लेकिन उन पर काबिज़ लोगों का ख़ानदान है। तो बहरहाल इसको एंजॉय करें। और जब भी वो किसी ने लिखा हुआ था, बड़ी दिलचस्प, यानी मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो कहता है कि महफूज रहना तो घर के अंदर रहें, इसलिए कि सड़कों पर कर्नल की बीवी फिर रही है। तो इसलिए बेहतर यही है भाई कि नज़रें नीची रखें, सर झुका के रखें, हैं, और दुआ दें एक्सटेंशन वालों को। एक्सटेंशन कभी बराह रास्त लेते हैं, कभी खुद ही आ जाते हैं, कभी किसी से लिखवा लेते हैं। आप इमेजिन करें, मौजूदा साहब एक्सटेंशन लिए बैठे हैं और ज़बरदस्ती कशीद की हुई है, लेकिन फिर भी बेवतन है। इससे पहले वाले उन्होंने हंगामा आराई करवाई, इन्होंने भी करवाई, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ ने उन्हें एक्सटेंशन ना दी। अब वो बटमैन है किसी के, सऊदियों के वो बटमैन है। इमेजिन करें कि अपने मुल्क के वज़ीर आज़म की इज़्ज़त नहीं करते, 23 करोड़ लोगों की इज़्ज़त नहीं करते, लेकिन गैर मुल्की शहजादों के बटमैन और गनमैन बनना पसंद करते हैं। इसी तरह उससे पहले कियानी साहब देख लें, उनके कारनामे ये थे कि लोग आए कहीं से, उड़न कटोले पर बैठकर लोगों को कत्ल भी किया, उठा के ले गए। कियानी साहब से पूछा आप कहाँ थे, उन्हें नींद आई हुई थी, और इनाम के तौर पर उन्हें कहा कि हमें यानी 3 साल की एक्सटेंशन हमें भी इनायत की जाए। ज़बरदस्ती बात जो पेशियन में ज़बरदस्ती भी इनाम लेते हैं लोग, तो ये भी इनाम ज़बरदस्ती लिया गया। उससे पहले मुशर्रफ साहब थे जिन्होंने चंद हज़ार डॉलर फ़ी कस के हिसाब से पाकिस्तानियों को बेचा, और इसके अलावा 2 मुल्कों को भी बेचा, लेकिन फिर भी मुहब्बे वतन हुई हैं। तो ये दास्तान जो है वो कहाँ तक पहुँचती है, जब से पाकिस्तान बना है बस कर्नल की बीवियों से डील कर रहे हैं। ये इमेजिन कर लें कि बीवी का ये हाल है तो कर्नल साहब का क्या हाल होगा। ये मैंटेलिटी ऐसी है और ये गोया ऊज आउट करती है, ये बग़ैर कहे उछल के बाहर आ जाती है। तो इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको प्रोग्राम पसंद हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खुदा हाफिज़।